आ जाते हैं, रिश्ते थम से जाते हैं, सर्द हो जाते हैं, बर्फ सी जम जाती है। कुछ समय बाद जब यही रिश्ते अपने संतान के कारण या अन्य किसी कारण पुनर्जीवित हो उठते हैं, तो उन्हीं संबंधों में ठहराव आ जाता है, उठाकर लौट आती है और फिर ये संबंध पुनर्जीवित हो उठते हैं और रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगती है। तो आइए देखें पिघलती बर्फ। Thank you. If
we don't mind. Can I help you home? No, I'm here. अभी तो मिले हो यार. जिंदगी बहुत छोटी है, वक्त निकलता जाता है. I felt instant connection when I met you. वैसे भी फ्रेंडशिप में क्या बुराई है? Come, I help you home. चलो, fine. वो वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज रखें प्लीज. Working women are like truly superwomen. Girl, office, family, kitchen. You do it all so perfectly. Let me tell you, you are so beautiful. Hey. Yes, I can listen to you all day. Okay, we'll be there. Hey Devyanshi, can I call you at night? You need help for the party? Night, Dev. Message karti hu. Okay. ऑफिस पार्टी के लिए कैसे तैयार होना चाहिए? लुक एट हर एंड लुक एट योरसेल्फ. शी इज सो वेल ड्रेस्ड एंड मॉड. ऐसा लगता है अपने भाई की शादी में आई हो. भाई छोटे बच्चों, अक्ल है कि नहीं है? हर जगह मुझे शर्मिंदा करती हो. क्या बुराई है इस ड्रेस में? आई एम लुकिंग सो प्रेटी. अभी तो कहा था. कौन अभी? आई डोंट केयर. सच बोल्ड कलर. अब चलो यहाँ से, वरना कल सुबह मेरे ऑफिस में गॉसिप टॉपिक का हिस्सा होगी तुम. यहाँ अभी कौन चाहता था तुम्हारे साथ? नाउ शट अप एंड मूव. प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है. और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो. लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो. ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं है? मैं टीवी देख रहा था ना. मुझे भी तो देखना था टीवी. पूरा दिन ऑफिस में काम करके थक जाता हूँ मैं. थोड़ी देर चैन से टीवी भी नहीं देखने देती. मैं भी साथ में काम करती हूँ, सो ही नहीं रहती हूँ. अगर इतना ही काम करती तो घर साफ होता. मुझे कहीं से नजर नहीं आ रहा. तुम भी अगर काम करते ना अच्छा, हम पानी जितने अमीर होते. आकांक्षा सोचना भी ना. नफरत हो गई है मुझे तुमसे. मुझे भी. मुझे अलग होना तुमसे. मुझे डिवोर्स चाहिए. मैं जा रही हूँ अपने मम्मी के घर. जाते जाते सामान लेके जाना अपना. तुम भिजवा देना. गेट लॉस्ट. आज से 20 वर्ष पहले तक भी हम डिवोर्स यानी कि अलगाववाद के बारे में सोच नहीं सकते थे. हमारी पीढ़ी निभाना जानती थी और चाहे भी तो परिवार अलग नहीं होने देता था. फिर आज की पीढ़ी की सोच में इतना बदलाव क्यों? क्यों अपनी खुशी बाहर तलाशती है? क्यों परिवार भी आज उनके हर फैसले में साथ देते हैं? मैं ये बता दूं, ना ये पश्चिम सोच का असर है और ना ही लड़कियों के स्वतंत्र और परिपूर्ण होने का नतीजा. ये हमारी ही कमी है. जो संस्कार हमारे बड़ों ने हम में बोए थे, वो संस्कार हम अपनी भावी पीढ़ी में नहीं बो पाए. उनकी हर मुश्किलों को आसान बना देते हैं, जिसके कारण वो अपनी समस्याओं से निकलने का आसान तरीका ढूंढते हैं. आज ज़रूरत है हमें अलगाववाद को बढ़ावा ना देते हुए उनके मनोबल को बढ़ाएं, ताकि वे एक दूसरे के पूरक बन सकें. आइए देखते हैं, क्या देव और आकांक्षा वाकई में अलग हो पाते हैं? Thank you.
जो अंकित है तुम्हारे दिल में, उन्हीं यादों के पंख बनाकर ले लो एक ऊंची उड़ान, उन्हीं यादों के पंख बनाकर ले लो एक ऊंची उड़ान। गारंटी है लबों पे आ जाएगी फिर से वही मुस्कान, फिर से वही मुस्कान।